राम नाम अनमोल जगत में, राम नाम अनमोल जगत में, प्राणी कर ले ध्यान के बेड़ा पार करे हनुमान, बेड़ा पार करे हनुमान, पार करे हनुमान, बेड़ा पार करे हनुमान, पार करे हनुमान, बेड़ा पार करे हनुमान। मकरी अप्सरा का उद्धार और कालनेमी का वध करके हनुमान जी अतिशीघ्र ही द्रोणाचल के शिखर पर जा पहुँचे। द्रोणाचल नामक यह प्रसिद्ध पर्वत ऋषभ तथा कैलाश पर्वत के बीच स्थित था। उस पर्वत पर अनेक प्रकार की औषधियाँ जगमगा रही थीं। उन औषधियों की चमक से उस पर्वत की अनुपम छटा बरबसी मन को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। इस पर बड़े बड़े सर्प, भालू, हाथी, सिंह आदि सुखपूर्वक निवास करते थे। उस पर यक्ष, किन्नर, गंधर्व तथा बहुत से देवताओं का वास था। महर्षि मुनि, तपस्वी और सिद्धगण उसकी कंदराओं में दिन रात ईश्वर की आराधना उपासना में लगे रहते थे। उस विशाल पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी ने वैद्य सुषेण द्वारा बताई गई संजीवनी औषधि प्राप्त करने के लिए चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई, किंतु संजीवनी नामक औषधि कौन सी है यह समझ पाना उनके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। बहुत समय तक औषधि तलाशने में हनुमान जी उस पर्वत पर इधर उधर भटकते रहे, किंतु ऐसा लगता था जैसे उस उत्तम पर्वत पर रहने वाली उस दिव्य औषधि ने अपने आप को अदृश्य कर लिया हो। इधर रात्रि तेजी से बीत रही थी। सुबह होने के पहले ही उन्हें औषधि लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास लंका पहुंच जाना था। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो लक्ष्मण जी के प्राण किसी प्रकार बचाए नहीं जा सकते। भगवान श्री रामचंद्र जी समेत सबकी आशाएं इस समय उन पर ही टिकी हुई हैं। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें थोड़ा भी विलंब होता है तो महान अनर्थ हो जाएगा। इन सब बातों को ध्यान करके महावीर हनुमान जी बहुत ही व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा कि औषधि खोजने में अब मुझे अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए, मुझे इस संपूर्ण द्रोणाचल को ही यहाँ से उखाड़ लेना चाहिए। इस पूरे पर्वत को ही मैं वैद्य सुषेण के पास पहुँचाए देता हूँ, वे इसमें संजीवनी तलाश कर लेंगे। यह सोचकर उन्होंने तुरंत ही खेल खेल में उस पूरे पर्वत को उखाड़ कर अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लिया। वेग से उखाड़े जाने के कारण वह पर्वत कांप उठा तथा उसकी बहुत सी चोटियां इधर उधर गिरकर बिखर गईं। हनुमान जी वायु वेग से लंका की ओर उड़ चले। महावीर हनुमान के इस अद्भुत कार्य को देखकर देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी को बड़ा विस्मय हुआ। सभी उनके इस कृत्य की भूरी भूरी सराहना करने लगे। रात्रि के उस घने अंधकार में हाथ में जगमगाता हुआ द्रोणाचल तथा अति तीव्र गति से उड़ते हुए हनुमान जी को देखकर ऐसा लगता था जैसे आकाश में प्रकाश की एक रेखा खींचती चली जा रही है। पर्वत रूप धारी महावीर हनुमान जी का यह स्वरूप सभी प्रकार से हमारा मंगल करने वाला है। इस रूप की उपासना और ध्यान से मनुष्य के बड़े से बड़े कष्ट और संकट अनायास ही दूर हो जाते हैं। वे सभी आपदाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। हमें रामदूत पवन पुत्र हनुमान जी के इस स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए।